हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, जब वो उस वर्ल्ड में आते हैं, तो हम उसने एसी के रूम में रख सकते हैं क्या? तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा ये क्वेश्चन रहता है हर मदर फादर के लिए कि हम उनको एसी में रखे कि नहीं रखे। क्योंकि ये मेरा भी था, मुझे समझ भी नहीं आता था कि मैं परी को एसी में रखूं कि नहीं रखूं। तो मैं आपको बताती हूँ कि रखना चाहिए कि नहीं चाहिए वो बात है। हम न्यू बॉर्न बेबीज को एसी में रख सकते हैं। मेरी परी फर्स्ट डे से एसी में रही है, तो हमें ऐसा जैसे कहा जाता है कि एसी में रखे कि नहीं रखे। अगर ऐसा होता कि न्यू बॉर्न बेबीज को एसी में नहीं रख सकते, तो कोई कोई हॉस्पिटल में आपको कैसे एसी के रूम प्रोवाइड करते? ऐसा होता ही नहीं। तो जब मेरी डिलीवरी हुई थी, तो उस मतलब वो हॉस्पिटल में भी एसी था, और वहां पे भी हमें एसी के रूम में रखा था। रात को 12 बजे एसी चालू होता था और सुबह 5 बजे तक एसी चलता था, देन उसके बाद एसी बंद किया जाता था। तो मैं जनरल वार्ड में रही थी, क्योंकि वहां पे प्राइवेट रूम उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई उसके 2 दिन तक। तो इसलिए मुझे जनरल रूम में रहना पड़ा था। और वहां पे बहुत सारे लेडीज थे, तो मतलब इतने सारे बच्चे थे वहां पे, 10-12 बच्चे थे, और वहां पे एसी चलता था। तो इसका मतलब हम न्यू बॉर्न बेबीज को एसी रूम में रख सकते। अब ये रहता है कि उनको टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है कि अपने बेबी का क्या टेम्परेचर है उस टाइम पे, मतलब आपका जब आपकी डिलीवरी होती है उस टाइम पे कौन सा सीजन चालू है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो जब परी हुई थी उस टाइम पे जुलाई मंथ था, तो बारिश का मौसम था, तो भी हॉस्पिटल में भी एसी था। देन जब मैं घर पे आई थी, मतलब हॉस्पिटल में मैं 2 दिन तक थी, तो 2 दिन हॉस्पिटल में परी एसी में रही है फर्स्ट डे से, मतलब जिस दिन उसका जन्म हुआ तभी से वो एसी में रही। देन घर आने के बाद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मैं एसी चालू करूं कि नहीं करूं। तो फिर उसके बाद ना, स्टार्टिंग में परी सोती नहीं थी मेरी, मतलब बहुत टाइम तक वो जगती थी। मैंने बहुत सारे ब्लॉग, अगर आप मेरे फॉलो करते तो आपको मैंने बोला है कि मैं परी सोती नहीं। देन उसके बाद मैंने एक दो बार एसी चालू करके देखा, तो तभी वो परी बहुत अच्छी से सोती थी। तो न्यू बॉर्न बेबीज को हम मतलब एसी में रख सकते, बट उसका जैसे मैंने कहा हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। अगर आपके घर में न्यू बॉर्न बेबीज है, तो आप उस टाइम पे ये कीजिए कि एसी का जो टेम्परेचर रहता है वो 28-29 इसके ऊपर अगर आप रखते हैं तो आप रख सकते हैं, ताकि वो नॉर्मल रहता है। वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा कूल रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता, इसलिए आप 28-29 के ऊपर रख सकते हैं एसी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कूल हो गया है अभी घर, या आपका जो रूम है वो एकदम ज्यादा ठंडा हो गया है, तो उस टाइम पे आप एसी बंद कर दीजिए। ऐसा कीजिए तो मैं अपना आपको बता दूं, मेरी परी जब से वो आई है उस दिन से वो एसी में ही रहती है। और अगर हमारा एसी चालू नहीं रहा, हमने एसी बंद किया, तो हमें 2 फैन चालू करके रखने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि न्यू बॉर्न बेबीज को हम सिर्फ बांध के या गर्मी में ही रखे, ऐसा नहीं होता है। उनको भी ठंडक की जरूरत होती है, तो हम उस हिसाब से रख सकते हैं। वो बस हमें मेंटेन करना होता है कि उनको किस टेम्परेचर में वो ये रह पा रहे, उसको हमें जानना होता है। तो मैं आपको एक मतलब नॉर्मल तरीका बता दूं। अगर ना आप देखिए, आप माँ को बराबर समझ में आता है टेम्परेचर, माँ बच्चे का टेम्परेचर मेजर कर सकती, जिससे कि जैसे कि अगर आपको ठंड लग रही ना, तो आप समझ लीजिए कि बच्चों को भी उससे थोड़ी सी ज्यादा ठंड लग रही होगी, तो उस टाइम पे आप इसे बंद कर दीजिए। या अगर आप इसे चालू कर रहे, तो अगर आपने एक कपड़े पहने, जैसे कि एक आपने सिर्फ गाउन पहना है, तो आप बेबी को 2 वेयर कीजिए, मतलब कि 2 लेयर के कुछ कपड़े पहनाए और फिर एसी चालू कीजिए, क्योंकि बच्चे को आपसे थोड़ी ज्यादा ठंडी लग सकती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मुझे ठंडी लग रही है, इसका मतलब बच्चे को भी ठंडी लग सकती है। तो एक माँ बच्चे का टेम्परेचर मतलब मेंटेन समझ सकती है कि बच्चे को ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है, तो आप न्यू बॉर्न बेबीज को एसी में भी रख सकते हैं। बट वही जैसे मैंने कहा कि हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, कितने टेम्परेचर में आपका बेबी सहन कर पा रहा है, कितने टेम्परेचर में एक माँ को ठंड लग रही है, आप समझ लीजिए। अगर आपको ये टेम्परेचर पे ठंड लग रही है, तो आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि फिर भी ठंड लग रही है, तो एसी बंद कर दीजिए और फिर मेजर कीजिए, तो आप अपने न्यू बॉर्न बेबीज को भी एसी में रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।